तो ये मार्केट में भाई सब कपड़ों का ठेला लगा रखा है, कपड़े बेच रहा हमारा भाई तेरी तो। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी दुकान से और टाइम हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे 2 बज रहे हैं। सो गाइस, आप भी हम अपनी दुकान पर और देख सकते हैं दुकान हमारी पूरी खाली पड़ी है, कुछ काम नहीं, बस यही कर रहा था थोड़ा सा काम मैंने उस पर बैठ के बिंदाई करी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले चप्पल पहन लो भाई, इधर सुबह से रहता हूँ ना। सो गाइस, तो ये देख सकते हैं ये मैंने करी थी बिंदाई, क्योंकि पहले ये पट्टी आई थी लंबी लंबी शीट, तो उसके अंदर से फिर ये सीधी पत्ती निकली, फिर ये मुड़ाई हुई, फिर ये बिंदाई हुई, तीन तरह के ऑपरेशन भाई, बहुत सारा माल था, ये थोड़ा सा रह गया था तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। और बाकी हमारी दुकान अब पूरी खाली पड़ी है, देख सकते हैं कोई काम नहीं आज, और बस ये एक सैंपल है तो ये भी बनेगा। तो क्योंकि ये सीधी पत्ती है, इसके अंदर ये गोल कटाई, बिंदाई, ये वाली मुड़ाई, फिर ये वाली मुड़ाई, फिर यहाँ पे बिंदाई, ये सब होना है भाई। सो अब इसका सैंपल निकला था पर ये अभी पास होना रह गया, जब सैंपल पास होगा तभी तक ऑर्डर मिलेगा। तो वैसे ऑर्डर तो मिल चुका था 1000 पीस का। सो अभी देखो, सो गाइस आज का जो ब्लॉग है मैं यूँ बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ घर अपने ओखला, तो देखते अभी कुछ पक्का नहीं है कि जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। सो अभी तो अब्बू गए मैं बाहर और मैं ऐसे बैठा हुआ था, काम करके बैठ चुका था, मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है, तो देख सकते हैं मैंने चार्जर मशीन का तार निकाल के चार्जर लगा रखा था भाई साहब। और बाकी हमारी दुकान एकदम ही देख सकते हैं, और ये अपाची खड़ी है गाड़ी भाई साहब। सो कोई बात नहीं, ये तो खड़ी हुई है, मतलब इसकी चाबी हमारे किसी और के पास है अभी, तो अभी हमारे पास है नहीं, जब आएगी तो इंशाल्लाह ईद वीद पे देख लेंगे, निकाल लेंगे, ना कोई बात नहीं, ऐसी खड़ी रहेगी है, क्योंकि अब निकाल के क्या फ़ायदा, क्योंकि अब इसकी आरसी आई नहीं है वहाँ से शोरूम से कंपनी से। सो अभी तो बहुत ही जल्दी मैंने सिर्फ व्लॉग स्टार्ट कर लिया, क्योंकि अभी दुकान में कोई नहीं, मैं आपको सामने से व्लॉग बनाता नहीं ज़्यादा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अभी तैयार हो जाऊँगा मैं, नहाऊँगा तो नहीं क्योंकि कल ही नहाया है मैंने और कल है फ्राइडे शायद। सो हो सकता है कल मैं आ जाऊँ यहाँ पर वापस, क्योंकि काम आ जाएगा आज या कल में, जैसे कि मैंने आपको बताया 10,000 पीस। सो वो भी हमें ऑर्डर तैयार करना, और देख सकते हैं वो डाई बना ही रहे हैं, जैसे कि ये जो बेंडिंग है ना, ये बेंडिंग तो इसकी डाई बना रहे हैं, सीधी पट्टी की बेंडिंग, तो ये है ना बिल्कुल ऐसी पट्टी लगेगी, पट्टी पता नहीं कहाँ गई बताओ, पट्टी ये रही, ऐसी ऐसी पट्टियाँ मुड़ के इसके अंदर लगेंगी और वो यूँ ही सुम्बा चलेगा ना, वो बेंड हो जाएगी। सो ऐसे ऐसे कलाकारी के काम होता है हमारी दुकान पर। तो गाइस अभी तो हम जल्दी से पहले तैयार होके 3-4 बजे तक निकलेंगे, अभी टाइम है 2 बज रहे हैं, हमारे पास 2 घंटे पूरे पूरे तैयार हो जाए जल्दी से और चल रहे हैं। अभी हम आ चुके थे दुकान पे से और तैयार वैर हो चुके थे, मतलब यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है, टाइम बता देना भाई क्योंकि मेरी घड़ी हो चुकी है बंद, पता नहीं चार्जिंग कर रहा थोड़े दिनों से, 9:04। सो समीर और फैज यहाँ पे बैठा हुआ है, रेयान का वाल लगा रहे थे तो आ ही नहीं रहा, रेयान का घर है ऊपर, फरहान का घर है स्मार्टी का, तो ये पूरी गली में हम बैठे हुए और क्या कर रहे हैं, बच्चे देख सकते खेल रहे सारे। तो गाइस अभी समीर भाई कहीं चलने, बताओ यार मन नहीं लग रहा, चल रहे हैं जाओ मुझे, कैसे जाएंगे ये बताओ, पैदल पैदल जाएंगे, पैदल पैदल इन लोगों रिक्शा से कह रहा भाई, यहाँ एक रुपये नहीं है भाई, 100 रुपये से निकला, ये पूछ लो पूछ लो, मैंने खिलाई एक पैसा ना, आप जेब में मेरी भी दिखाऊं, ये देखो खाली पड़ी है। अरे यार, तो हम रियान और इस्फान को बुला रहे तो आए नहीं थे, कहीं गए हुए क्या? अबे हाँ, आज इनकी तराबियाँ पूरी हैं, तो बालू चाय लेने गए होंगे, दोनों गए होंगे हाँ। सो गाइस अभी चले देखते हैं, हम चलेंगे कहीं घूमने। गाइस अभी आ चुके हैं समीर भाई के घर पे, और वैसे भी हम अभी आया था अपने पापा के पास से पैसे लेके, सो पापा ने पैसे तो 10 रुपये दिए, 50 रुपये दिए बस, लो ये 10 रुपये कह रहा। तो फेज अब भी यहीं है, समीर यहीं है, हम आए थे समीर के घर के आगे, समीर ये रहा भाई साहब, फ़ोन में लगे पड़े, इन्हें अपनी आईडी लॉगिन करी थी भाई, देख सकते गाड़ी पर हम कैसे बैठे हुए, जैसे हमारे बाप की गाड़ी हो, लो कर लो बात, सॉरी गाइस, गाड़ी है किसकी है, तो मेरी तो गाड़ी है, बाकी समझ ले, सही कह रहा, सही कह रहा बेटा, सही कह रहा, बहुत सही कह रहा तुम हमारे अब्बा हो, चलो अब्बा 10 रुपये नोट तो दे दो यार, आज अगर अब्बा ने 10 का नोट दे दिया ना, पक्का अब्बा हो तुम मेरे, चलो दे दो, पेटीएम नहीं चलाता मैं, पेटीएम नहीं चलाता मैं, नहीं भाई, लग गई शर्ट, चल मैं नंबर बता रहा हूँ, लग गए भाई शर्ट, लग गए आज, नंबर बता रहा हूँ, नंबर पे 10 रुपये पेटीएम कर, ऐसे थोड़ी ना, देख सकते हैं फिल्म है, पैसे पेटीएम नहीं करने, गरीबी चल रही है इस टाइम।
ऑफिस अभी कुछ खाने तो गए नहीं हम, और जा रहे हैं अमन के पास, तो समीर रहेगा हमारे मेरे साथ, तो समीर जा रहा है मेरे साथ अब। सो अमन अब जहाँ काम कर रहा ना, हम बस ऐसे ही जा रहे थे उसको देखने। और सो गाइस अभी ये रहे हमारे अमन भाई। ओए को पता नहीं इसको कौन सा सदमा लग गया भाई, 400 साल बाद, 4 दिन बाद बना रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा व्लॉग क्यों बना रहा, कब बना था बता, 4 दिन पहले, 5 दिन, 5 दिन हो गए भाई, 5 दिन हो गए। तो ये मार्केट में भाई सब कपड़ों का ठेला लगा रखा है इनने, कपड़े बेच रहा हमारा भाई ऐत तेरी। तो गाइस अभी इसको लेने आए थे घर के लिए, घर पे खाना खाने आएंगे। लो ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे भाई बैठे हैं। तो गाइस ये पागल हो गया भाई, जाने नहीं दे रहा, अभी हम इधर तक पहुँच गए, आगे तक आवाज़ दे के बुला रहा। सो अभी इसकी सुन ले क्या कह रहा, और चल रहे फिर। गाइस अभी हम आ चुके हैं अमन के पास से, मतलब यहाँ बाहर रोड पे घूम रहे, थोड़ी देर स्कूटी लेके आए थे, तो देख सकते हैं स्कूटी चला रहा तुम्हारा भाई बहुत टाइम बाद। तो स्कूटी पे हम घूम रहे थे, अमन को भी देख रहा है वो जल्दी से आ जाए, तो उसको अभी मैं खड़े करने आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बस लेके आया था चाय मांग के। समीर भाई हमारे साथी हैं, तो ये हमारे साथी गए थे। सो अभी हम अमन के पास से, अप्पा के पास गए, अप्पा के पास से चाबी लेकर आए, स्कूटी चालू करी और ले आए। अब अमन से कॉल करके पूछते भाई कब तक आएगा, ये क्या कर रहा भाई, ये कर क्या रहा है, पूछो वो करना, कमेंट करना भाई क्या कर रहा है, नथिंग ब्रो। तो भाई अभी अमन से कॉल कर ले, पूछ ले पहले कहाँ पर जाएगा, और वैसे भी चल रहे हम भी देख रहे हो। अब वैसे तो मन को कर नहीं रहा कहीं जाने वाने का, क्योंकि तेल तो ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा तेल है। सो अभी अमन को कॉल कर ले लेते पहले। भाई अभी अमन को हमने ले लिया, तो मतलब कॉल करी थी तो ये आ ही गया था, तो अभी रात हुई भाई पूरा रोड हो रहा, जिससे कि आपको पता है गाड़ी हमारे पास है। तो ये रहा अमन आगे बैठा हुआ, इसको अभी गाड़ी दी थी, अभी बस अभी यहीं से दी थी गाड़ी चलाने, तो अभी मेरे को चौकी पे दे देगा। सो अभी जैसे कि गाइस मिलेंगे, सो अभी पता नहीं कहाँ ले गए यार। सो गाइस अभी जल्दी से चल रहे हैं, शहरी का टाइम हो चुका है, शहरी करनी है, और शहरी का अपना ब्लॉग भी एंड करेंगे। बहुत छोटा सा ब्लॉग था, बताइएगा कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्लॉग अभी एंड करके थोड़े और मजे लगे भाई, मज़ा आ रहा है एकदम, खूब मजे। सो अभी बस हम सोने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अभी से बज रहे हैं, 1:30 या 2 बज रहे हैं, तो अब चले आएंगे सोने, पहले देखते क्या करेंगे बस थोड़ी देर। भाई जब आए थे गली में तो हमारे रियान भाई मिल गए, भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, इनके भाई तो चले गए ऊपर शहरी करने। क्या कर रहा है यहाँ पे, है वे सोतुल शहरी करेगा, सोएगा फजर में मिलोगे, नमाज में मिलेंगे। चलो भाई बैठ के आवाज़ हिली, चले आवाज़ हिली, आवाज़ हिली, बहुत तेज़ आवाज़ है भाई। अब हम भी जा रहे हैं भाई, पूरी गली सुम हो रही है भाई, ठीक है अब कुंडी तो लगा ले, बात कुंडी नहीं लगा के क्या भाई, पूरी गली खाली हो रही है, अब क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइज मेरी घड़ी भी जो है ना ये बंद हो चुकी है, और पता नहीं इसको चार्ज करना, बस भाई भाई ऐसे 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 तो मेरा साथ दोगे ना, बस हमेशा सक्सेस रहूँगा। अबे लो ये तो रहा तो बड़ी लाइट, और इसके सुनो गाइस एक बार और सुनो, रहने बस सुना रहने। सो गाइस अभी जा रहे हैं शहरी करने, बहरे तो गाड़ी ये खड़ी यहाँ पर, हमने पार्क कर दी गाड़ी, तो अभी बस शहरी का टाइम। गाइस अभी आ चुके हम छत पे, और भाई शहरी वेरी ख़त्म हो गई, फजर में सो गया था भाई, उठाऊँ और फजर वजर की नमाज़ पढ़ के अब आऊँ, सब दोस्त गली में से घर भग चुके थे भाई, कह रहे थे नींद आ रही है, नींद आ रही है, कोई भी सोता नहीं, मुर्गा भी बोल रहा भाई, कोई आवाज़ एकदम गूंज रही है भाई। चांद देख सकते कितना क्लियर, रोशनी कितनी हो रही है भाई साहब। अमन अभी नीचे गया है, तो मैं छत पे आ गया, व्लॉग एंड करता हूँ, मेरी सांस फूल जाती है भाई, पर रोज़ से हूँ, रोज़ा रख रहा भाई पूरे कंटिन्यू भाई। अंधेरा हो रहा, सुबह फजर के टाइम, टाइम में बताया था फ़ोन में से देखे, कोई घड़ी तो है नहीं, हाथ में उतार दी मैंने नीचे, तो टाइम हो रहा आपका 5:15, और चलिए से अपना व्लॉग एंड करते, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई, पूरे रात अभी भी सोया था मैं वहाँ से, बाहर से आके भाई नींद आ रही है बहुत तेज़। फजर की नमाज़ पढ़ के सहरी वेरी करके हम नमाज़ पढ़ कर सीधा घर पर आए, अब सो जाऊँगा जल्दी से, फिर दुकान पर जाना, काम करना है कल बहुत ज़्यादा। एक मुर्गे इतने ज़्यादा बोल रहे, पता नहीं क्या हो गया भाई, अजान दे रहे ना सुबह सुबह के टाइम। सो गाइस व्लॉग एंड करते हैं, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑल कर लीजिएगा, और क्या मिलता है आपसे अगले व्लॉग में। ठीक है गाइस व्लॉग पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का, उस पर जल्दी से जाकर दबा दो, और बेल आइकन घंटी का बटन ऑल कर लो। मिलता है आपसे अगले व्लॉग में, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नींद आ रही है बहुत तेज़।